हेलो फ्रेंड्स, मानिए मेरे मंजन, आज हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसका बोनस इशू आने वाला है, सॉरी आ चुका है 1:1 का, और डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है काफ़ी अच्छा 7.5 रुपये का, और इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आए हैं और नेट प्रॉफिट जो आए हैं लास्ट क्वार्टर से सीधे डबल हुए हैं, और लास्ट ईयर 2017 से भी अगर देखेंगे तो लगभग 80% अप है, तो काफ़ी अच्छे नतीजे इस कंपनी के आए हैं। और आज भी देखेंगे तो 4% ये स्टॉक बढ़ा है, और ये कंपनी है सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। 525 के ऊपर इसकी आज क्लोजिंग थी, और कुछ दिन पहले बात हमने की थी तो ये 500 के नीचे चलता था, 490 के करीब, और आज देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रैली इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिला, और हाई 570 का है और 389 का 52 वीक लो। जिसने भी स्टॉक को ले रखा है मेरे हिसाब से थोड़ा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा कंपनी ने रिकमेंड किया है, फाइनेंशियल्स अच्छे आए हैं, तो यहाँ से ग्रो करना चाहिए स्टॉक को। और 1:1 बोनस भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है 10 रुपये के फेस वैल्यू पर। इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी छोटी कंपनी है, 387 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, लेकिन नतीजे इतने शानदार आए हैं कि स्टॉक भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और आगे भी चलना चाहिए। तो सबसे पहले इसके नतीजे देखेंगे ताकि आपको भी आइडिया आ सके। तो इसका अगर आप टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो 198 करोड़ का रहा है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, और सितंबर क्वार्टर में 176, और लास्ट ईयर 2017 में 191 करोड़ का जो है रेवेन्यू था, लेकिन सारे एक्सपेंसेस अगर काट के प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 14.52 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि सितंबर क्वार्टर में 6.35 था, जो कि डबल से भी ज़्यादा हुआ है, और लास्ट 2017 में 8.40 था, जो कि आप समझ सकते हैं ये 80% तक प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर से, तो काफ़ी अच्छा मीन्स रिजल्ट्स भी आया है। और इसका अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 1:1 का बोनस इशू भी किया है, वो भी 10 रुपये के फेस वैल्यू के ऊपर, 10 रुपये का फेस वैल्यू का एक शेयर फ्री, तो काफ़ी मीन्स बढ़िया नतीजे और बढ़िया बोनस, और उसके बाद बढ़िया डिविडेंड भी अगर देखेंगे तो 75% का कंपनी ने डिक्लेयर किया है, जो कि 7.5 रुपीज़ के करीब होता है, और डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो 14/2/2019 है, जो कि नज़दीक है, आज 6 तारीख है, तो लगभग 1 वीक 8 दिन रहे हैं। जिसके पास भी स्टॉक है वो होल्ड कर सकते हैं डिविडेंड के लिए भी, तो रिकॉर्ड डेट तक जिसके पास भी स्टॉक्स होंगे वो सारे लोग एलिजिबल रहने वाले हैं डिविडेंड के लिए। तो बोनस शेयर्स का जो रिकॉर्ड डेट है वो बाद में कंपनी डिक्लेयर करेगी इनकी अगली बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो आज इसी के बारे में बोलना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके। ये खाली BSE के ऊपर लिस्टेड है कंपनी, आप भी ये लेटर निकाल सकते हैं BSE की साइट से, और इजीली ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बोलना था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।